सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ओके, अगला वायदा क्या कह रहा है? 10 आयत के बाद 15 आयत को पढ़ेंगे। तो जब मैं मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसको महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब तब वो मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। संकट आया, बीमारी का कोई भी कोई बंधन, तो मैं उसे संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसे बचाकर संकट से उसकी गवाही बना के खड़ा करूंगा, महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब हालेलुया। ओके, आगे क्या है? 16 आयत। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र दूंगा, दीर्घ आयु दूंगा उसे, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ओके, आप सीख गए। ओके, अब उन वचनों से अंगीकार करेंगे, देखते हैं स्कैन में क्या निकलता है। ओके, पढ़ेंगे पहले वचन से ही भजन संहिता, उसका 91:1 से। दोबारा बैक लेके जाओ। ओके ओके, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत, मैं सीधा घोषणा करूंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे शाये हुए स्थान में रोज प्रार्थना में बैठता हूं, इसलिए प्रभु मैं तेरी छाया में लिखा है टिकाना पाऊंगा। मैं तुझ में सुरक्षित हूं क्योंकि मैं रोज प्रार्थना में आके तेरी हजूरी में बैठता हूं। यस, और प्रभु परमेश्वर। ओके, अगला। इसलिए मैं तेरी हजूरी में बैठता हूं, कोई विपत्ति मेरे डिग मुझ पर नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे बोलना है, केवल बाइबल पढ़ के प्रभु को नहीं सुनाना, आपको उसे घोषणा करना है, उन रोगों को भी सुनाना है। इसलिए कोई शैतान को भी, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई रोग मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इसका मतलब आप उस रोग को बोल रहे हैं, आप उस शैतान को बोल रहे, उस बंधन को बोल रहे हैं, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ सकती, कोई रोग मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। किसी ने बताया हो तेरे लिए ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे खबर सुनी है, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ओ तेरे घर वनु आ रहे आप, आप कहते नो, मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उसके शायद स्थान में, आप डरेंगे नहीं। ओके, आप कहेंगे हे प्रभु जब भी मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुनेगा, और मैं तुझे पुकारता हूं और तूने कहा मैं संकट में तेरे संग रहूंगा, तुझे बढ़ाकर तुझे छुड़ाकर तेरी गवाही को बनाऊंगा, तो प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे संग हैं क्योंकि मैं तेरे साथ रोज प्रार्थना में बैठता हूं, इसलिए आप मेरे संग हैं। ओके, हे प्रभु मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा क्योंकि तूने वायदा किया है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। ये बीमारी तू मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैंने उसके वचन को मानता हूं, रोज उसकी हजूरी में बैठता हूं, इसलिए तुम मुझे मेरी उम्र को कम नहीं कर सकती। समय से पहले बीमारी दुष्टात्मा तू मुझे उठा के नहीं ले सकती। हालेलुया। और मैं अपने किए उद्धार को से दर्शन दिखाऊंगा। ओके, ये वचन की हुई घोषणा। अब अगली शर्त क्या है नीति वचन में? पहली निर्गमन में थी, दूसरी भजन संहिता से हमने ली, और उसके बाद नीति वचन 3:1। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। पहले वो यहीं रुकेंगे, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। मतलब जो आज्ञा पर तुम चल रहे थे उसमें बने रहना, जो आज्ञा मानने पर खड़े थे उस पर खड़े रहना, तो चंगियाई, तो तुम रोग रहित कलीसिया बने रहोगे अगर उन आज्ञा को मानते रहो। जैसे तुम उस आज्ञा से बाहर आओगे तो तुम उस शर्त से भी बाहर आ जाते हो, याद रखना। इसीलिए अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, मेरी शिक्षा को ना, एक तो ना भूलना वचनों को जिसमें तूने वायदा किए चल रहे हो, दूसरा
उसको अपने आज्ञा को अपने हृदय में रखे रखना, याद रखना उसे। ओके आगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। बोले आमेन। तो तू अधिक कुशल से रहेगा, शर्त ये आज्ञा को मानना, याद रखना आज्ञा को हृदय में रखना। पर वायदा क्या है? तू तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, मतलब तू समय से पहले दुनिया से नहीं जाएगा, जैसे लोग समय से पहले मर जाते, जैसे अयूब को शैतान तंग कर रहा था, परीक्षा ले रहा था, परमेश्वर ने कहा उसकी मृत्यु को हाथ ना लगाना, मतलब समय से पहले तो उसे लेके नहीं जा सकता, अभी मेरा परीक्षा का टाइम है, उसे आशीष देने का टाइम है, अभी अपने बहुत ब्लेसिंग्स देखनी है। समझ पा रहे हैं? प्रभु प्रभु की आज्ञा के बिना शैतान किसी को दुनिया में लेके नहीं जा सकता, पर उसके विषय में रूल है, शैतान दुनिया में लेके जा रहा है, लोगों को मार रहा है, क्योंकि लोग प्रभु की नहीं सुनना चाहते, लोग यीशु प्रभु में नहीं आना चाहते, पापों से मन नहीं फिराना चाहते, यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते, उन्हें लग रहा है ये एक ईसाई धर्म है, ये एक ईसाई धर्म है, ये गोरों का धर्म है, ये एक क्रिश्चियन धर्म है, वो एक धर्म समझ के से चल रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है। हालेलुया। तो ये केवल एक धर्म नहीं है जैसे बाकी धर्म है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मैं मर भी जाए तो भी अंतिम दिन में फिर जिला उठूगा उठेगा। हालेलुया। जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, वो भी मुर्दों में से जी उठेगा और स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा, वो उस दूसरी मौत से ना मरेगा जो नरक में तड़पते रहना है। हालेलुया। तो अधिक कुशल से रहेगा, तो ये है वायदा, तेरी आयु बढ़ेगी। बीमारी क्या करती? आयु को खत्म करती, मतलब किडनियां खत्म, लिवर फेल, कैंसर, HIV, काला पीलिया और बहुत से रोग उम्र को कम करते हैं, कमजोर करते हैं, आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को खत्म करते हैं, उम्र कम होती रहती, शक्ति खत्म होती रहती शरीर की। तो कहता है तेरी आयु बढ़ेगी ऐसा करने से। ओके अगला बात, 8 आयत में लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। बोलो आमेन। तो ऐसा करने से एक तो तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा, तुम रोग रहित रहोगे और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। अब मेरी हड्डियां का दर्द, ओ घुटनों का दर्द, ग्रीस खत्म हो गई, ओ मेरी बाजू दी हड्डी, ओ मेरी रीढ़ दी हड्डी, ओ मेरी पैर दी हड्डी, ओ मेरे गुट दी हड्डी। समझ पा रहे? तेरी हड्डियां रिस्ट पुष्ट, तेरी पुष्ट रहेंगी, उसमें ताकत रहेंगी, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। सोचो ये डॉक्टर का वायदा नहीं है, यहोवा राफा डॉक्टर के डॉक्टर का वायदा है। हालेलुया। जिसने डॉक्टर को बनाया है, जिसने सबसे स्पेशलिस्ट 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 के ऊपर भी स्पेशलिस्ट के ऊपर है जो, उसका वायदा है ये, और वो अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। वो मनुष्य नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। क्या विश्वास हो रहा है उसके वायदों पर? अगली आयत क्या है? ओके तो 18 आयत में कुछ और लिखा है, पहले महीने के, बैक जाएंगे पहले तक, 12:1 तक बैक जाएंगे, बैक जाएंगे। ओके वहीं तक काफी है। यस पढ़ेंगे, अब घोषणाएं करेंगे उन वचनों की। अब इस वचनों को कैसे घोषणा करना? अगर तुम बाइबल में पढ़ोगे तो वो एक वचन है, अगर तुम उसे घोषणा करोगे तो वो तेरे लिए रेमा वचन है, मतलब काम करेगा वो तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। तो एक लोगोस वचन, वो सबके लिए है बाइबल, पर सबके लिए काम नहीं करती वो, वो काम उसके लिए करती है जो उसे मानकर उसके अनुसार चलकर उसे बोलकर अपने ऊपर उसे रेमा वचन अपने लिए बना लेता है। जैसे यीशु ने कहा, बाइबल को पुस्तक को खोला यशायाह नबी की और बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे चंगा करने के लिए और छुटकारा देने के लिए मन फिराव का प्रचार करने के लिए भेजा है, उसने उसे रेमा बना के पेश किया। हालेलुया। और शैतान के मुंह पर चपेट मारी और सेवा शुरू हुई। हालेलुया। अभिषेक के साथ। ओके हे प्रभु, पहली आयत से, हे प्रभु मैं तेरी शिक्षा को नहीं भूलता, तू जानता है मैं तेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार चलता हूं। समझ पाए? उसे मैं अपने हृदय के अनुसार रख के चलता हूं।
तो अगर एक दो आज्ञा पर तुम ना चल पाओ, तेरी कमजोरी हो कोई, मुझे ये भी क्लियर करना है, तो आप कहेंगे प्रभु मैं पूर्ण रूप से तो नहीं चल पा रहा, पर मैंने दूसरों से अधिक कोशिश की है प्रभु, इस श्रापित शरीर को बस में रखने की तेरी आत्मा के अनुसार चल के मैंने बहुत वचनों पर प्रभु चलता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं प्रभु जो मेरी हिस्से निर्बलताइयों में है उसमें भी तेरी सामर्थ आएगी और मैं पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाऊंगा, तेरा वचन कहता है। हालेलुया। तो आप ऐसे प्रेयर कर सकते हैं, पर जिनमें आप चल रहे हैं उनमें आप अधिकार से प्रेयर करें। मैं तेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखा है परमेश्वर अगली बात से, क्योंकि तूने कहा ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, इस कारण यह बीमारी मेरी उम्र को कम नहीं कर सकती, मेरी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी और मैं अधिक कुशल से रहूंगा, यह बीमारी मुझे कुशल से जीने से रोक नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी आज्ञा को हृदय में रखता हूं, उसका पालन करता हूं, इस कारण बीमारी मुझसे दूर हो जाए यीशु नाम में। हालेलुया। और अगली आज से आप घोषणा करेंगे ऐसा करने से लिखा तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करने से मेरा शरीर अब भला चंगा है, मेरे शरीर में अब कोई बीमारी नहीं, परमेश्वर की यह शर्त मेरे जीवन में इस वचन के अनुसार पूरी होती है और मेरी हड्डियां पुष्ट हैं, मेरी सारी टूटी हड्डियां जुड़ चुकी हैं क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को माना है। और क्या होगा, हड्डियां टड़क 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 जुड़ जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। आ आ आ तारीफ करो जोर से। ये मैं वचन आपको क्यों बता रहा हूं, प्रभु ने मुझे एक बात बोली कि हीलिंग को, चंगाई को उसे लिखा है मैंने, इसलिए यहीं से पढ़ के मैं उसे बोलता हूं कि सरल विश्वास, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, पावर नहीं लगती इस वर्ड में, सरल विश्वास, इजी फेथ, सरल विश्वास। परमेश्वर नहीं चाहता, सरल विश्वास क्या है मैं आपको बताता हूं कि वचन में चिंग्याई और घोषणा से चिंग्याई एक सरल विश्वास का कार्य है, वचन से चिंग्याई और घोषणा से चिंग्याई। मान लो विश्वास को मुश्किल ना करें, सरल रखें, पास्टर का काम भी विश्वास को सरल रखना, जैसे मैं घोषणा कर रहा हूं तो ये इजी नहीं है। मान लो कोई सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूं तो 3 घंटे लगेंगे, तो ये सरल विश्वास नहीं है कि मैं घोषणा करूं और बीमार चंगे हो जाएं। हमेशा अपने विश्वास को सरल करने की कोशिश करें, इजी करें फेथ को, क्योंकि अन्य जातियों से जिससे हम आए हैं हमने बहुत कठिन विश्वास के धोखे खाए हैं, आपको पता है, ये करके आओ, जे चढ़ावा चढ़ाओ, इतने पैसे लेके आओ, दुष्टात्मा है, मार खाई है, बापों के पास जाके ईंटें खाई है, मारा गया आपको दुष्टात्मा निकालने से, बहुत कठिन फेथ दिया गया। हीलिंग लेने के लिए डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, बहुतों से धक्के खाने पड़े, मांगना पड़ा, बहुत ही डॉक्टर ने भी तुझे नजायज ही लूट लिया कई हिस्सों में, बहुत मुश्किल फेथ से हम धक्के खा के आए हैं, इसलिए मसीह में आके अपने विश्वास को कभी मुश्किल ना करो। समझ पा रहे, सरल फेथ क्या है कि खुद वचनों को याद रखो, लिख के रखो और उसे विश्वास से चलो, घोषणा करो, मनन करके उस पर चलो, फिर विश्वास से चल के घोषणा करो और अपनी चंगाई को ले लो घर बैठे। हालेलुया। ये है सरल विश्वास। कॉल सेंटर का नंबर ढूंढना, कॉल सेंटर वाला आज आत्मिक नहीं है, तेरा टाइम वेस्ट हो गया प्रेयर करवाने से। दूसरों के विश्वास पर निर्भर रहना सरल विश्वास नहीं है, दूसरों की प्रेयर पर निर्भर रहना। अगले संडे व्हाइट कार्ड सारी कलीसिया के लिए ले हैंड है, मेरा पूरा विश्वास है अगले संडे 7 दिनों के बाद मैं चंगा होऊंगा वहां पर, ले हैंड से। ये मुश्किल फेथ नहीं लग रहा है, 7 हफ्ते तुम तड़पने की विश्वास रख रहे हो उस बीमारी में, हाँ ये मुश्किल नहीं लग रहा है। हमेशा विश्वास का जब नाम आए उसे सरल करो जितना सरल हो सकता है। हालेलुया। बुधवार प्रभु मैंने इसे मांगा, मुझे सरल फेथ दे प्रभु, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत अच्छा दिया, मैं थैंक्स करता हूं। मैं बुधवार आया प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से जोड़ रहा हूं लोगों को, और धीरे धीरे मैंने कहा जैसे पत्र लोगों के बीच में से गुजरता था लोग चंगे हो जाते थे, आज मैं केवल आपके पास आके गुजर के चला जाऊंगा और आप चंगे हो जाओगे। मैं गुजर के चला गया और लोग चंगे हो गए। हालेलुया।
क्या इतना करना समझ पा रहे हो? जब आपसे सरल नहीं होता तो आपको करना पड़ता है, सच्चाई से बताऊंगा, आपको करना पड़ता है जितना आपको है, पर जितना आप उसमें बढ़ते जाएंगे और दृढ़ होते जाएंगे, सीधा कह सकते हो बाइबल में एक वचन लिखा है कि ज्यों ज्यों तेरा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तुम उन बातों में, सब बातों में बढ़ते जाओगे और बढ़ोतरी को देखोगे। हालेलुया।